हेलो माय लवली व्यूअर्स, मेरे और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आलू भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले लिया, पपाया को छिलके भी ले लिया हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पपाया भी ग्रेट कर लिया हूँ। ये बहुत देर लग गया पपाया को ग्रेट करने में, क्योंकि पपाया बड़े साइज के थे। और चलिए कोई बात नहीं, बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ ऐड कर रहे हो ऑयल, कढ़ाई भी गर्म हो गया है बहुत, और कढ़ाई में एक साथ ही इसमें ज़्यादा करके ही ऑयल ऐड करना पड़ेगा। और पपाया के लिए मैं यहाँ में मूंगफली दे रही हूँ, और यहाँ ऐड कर रही हूँ पूरन। ये फ्राई हो जाने के बाद मैं आलू ऐड कर रही हूँ। जल्दी जल्दी ये एक साथ ही सब ट्राई कर रही हूँ, नहीं तो अलग अलग करके ही ट्राई करती हूँ, लेकिन ये आसान तरीका है। तो अभी ऐड कर रही हूँ नमक, और अभी ऐड कर रही हूँ हल्दी। ऐड कर रही हूँ जीरा और धनिया पाउडर एक साथ ही। अभी ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड अदरक। यहाँ आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। आलू फ्राई हो जाने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ पपाया को, ग्रेटेड पपाया को। आज पपाया भी बहुत सारा ग्रेट कर लिया है और बहुत देर लग गया है पपाया को ग्रेट करने में, बहुत देर लग गए हैं क्योंकि पपाया थोड़ा ज़्यादा ही है। पपाया को बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला पतला सा है, बस थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो बन जाएगा। फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद पपाया कुछ इस तरह से है, तो देखिए यहाँ लाल लाल हो गए हैं पपाया, और पपाया से ज़्यादा पानी भी नहीं निकले है, तो जल्दी ही बन गए हैं। मैं जल्दी के लिए एक साथ ही दे दिया, क्योंकि सुबह सुबह 8:30 बजे हस्बैंड निकल जाते हैं, तो हस्बैंड निकलने से पहले सब्जी बनना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ क्रश किया हुआ बड़ी इलायची और छोटे इलायची और मिर्च, और ऐड कर रही हूँ घी। चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पपाया नेचुरली थोड़ा सा मीठा ही होते हैं। ये पपाया का भाजी मेरे फैमिली मेम्बर को सबको ही पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है ये, और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए कितना अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अभी बन गया है पपाया का साग, जिसे हम पपाया का साग भी बोलते हैं, और पपाया का भाजी भी कोई कोई लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं पपाया के साग
पपाया का साग का मतलब समझते हैं, पपाया के पत्तों के साग, ऐसा भी कुछ डांकी लोग होते हैं। पपाया के साग के कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ ऑयल। और देखिए यह पपाया कितना अच्छी तरह से बन गया है और बहुत बहुत सारा ही हुआ और बहुत सारा ही बना पपाया का साग। और ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी पराठा पूरी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, राइस के साथ भी अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी है बहुत। और देखिए कितना अच्छी तरह से फ्राई हो गया है पपाया का साग और लाल लाल भी हो गया है। तो पराठा गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ मिर्च और फोरन ऐड किया। और अब ये ऐड कर रही हूँ दाल। फ्रेंड्स अभी ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। फ्रेंड्स दाल भी बन के तैयार हो गया है, तो अभी बनाऊंगी बेटे के लिए सोयाबीन राइस। पूजा देने के बाद किचन में आ गई हूँ चाय बनाने, तो चाय भी बना लिया। तो फ्रेंड्स चाय भी बन गए हैं और देखिए बहुत सारा चाय लिया हो आज, चाय के साथ लिया हो पोहा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी पी लेते हो चाय और मिलते हो बाद में। बाय बाय। फ्रेंड्स हो गया है लंच टाइम, तो अभी लंच करूंगी। आज के लंच के मेनू में है फ्रेंड्स, आज के लंच के थाली में राइस के साथ है सलाद, सलाद में है कुकुम्बर और लेमन, और है ब्रिंजल और आलू फ्राई, लाल साग, पपाया की भाजी और लौकी की सब्जी। तो फ्रेंड्स चलिए कर लेते हैं लंच और मिलती हूँ बाद में। बाय बाय। फ्रेंड्स देखिए बेटा भी आ गया है स्कूल से, बहुत टायर्ड हो गया स्कूल से आते आते, बेटे का स्कूल से आते आते शाम हो जाते हैं। बेटा भी स्कूल से आ गया है, शाम भी हो गए हैं, स्कूल से आते आते शाम हो जाते हैं। भाई फ्रेंड्स 11 बज गए हैं और डिनर के लिए बैठ गए हैं, हस्बैंड भी डिनर के लिए बैठ गए हैं और मेरा डिनर भी तैयार हो गया है। तो आज तो फ्रेंड्स डिनर में आज राइस ही है और राइस के साथ है बैंगन भरता और है पपाया का साग और है दाल। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।